Hello friends, welcome once again. I got one of the feedback from Aditya June on one of the recent videos. He says, sir, one director of an SSB coaching institute said, if you go real, you will be rejected. Please comment. Now, Aditya June, मैं इस coaching वाले director sir की बात से मैं partially सहमत हूँ. It is a partial truth. यह अधूरा सत्य है. इनकी बात उन कैंडिडेट के ऊपर लागू नहीं होते जिन्हें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है. ये कमेंट और ये इंस्ट्रक्शंस उन लोगों के लिए है जिनके अंदर कचरा भरा होता है. फॉर एग्जांपल, अगर जोहारी विंडो ले तो अगर इफ़ देर इज़ अ कैंडिडेट हुज ओपन एरिया इज बिग एंड ही हैज़ वेरी लिटिल टू हाइड, ही हैज़ नथिंग टू फियर. दिस इज़ फॉर पीपल लाइक दिस कैंडिडेट हु रोट मूड हॉनी डोंट नॉक द डोर राजा, कम डायरेक्टली इनसाइड राजा, जिनके अंदर देयर इज टू मच ऑफ अ कचरा एंड देन दे हैव टू वरी, क्योंकि उनका तो रिजेक्शन होना ही है. सो सर की बात उन लोगों के लिए लागू है जिन लोगों के अंदर डू यू हैव इट इन यू नहीं है. बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस डायरेक्टर साहब की इतनी क्या मजबूरी है कि जिस कैंडिडेट के अंदर कैरेक्टर वीकनेस है उसे ये क्यों रिकमेंड कराना चाहते हैं, क्यों वो बोलते हैं कि डोंट गो रियल, वाई ही इज़ एडवाइजिंग कि हाइड कोर क्वालिटी इफ़ यू हैव एनी वीकनेस इन कोर क्वालिटी. ऐसी क्या कंपल्शन है उस कोचिंग वाले डायरेक्टर सर की कि वो एक ऐसे लड़के को रेकमेंड होने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि स्प्रेड ओएल क्यू एंड हाइड कोर क्वालिटी. वाई डज दैट ऑफिसर वॉन्ट दिस कैंडिडेट टू गेट रेकमेंडेड? ये देश का भला कैसे करेगा, तो नुकसान करेगा. तो ऐसे जो एडवाइस दे रहे हैं, पहली बात तो ये पार्शियल ट्रुथ है एंड ये समझ भी नहीं आता कि कैंडिडेट तो चलो ही वांट्स टू गेट रेकमेंडेड इवन इफ ही डज नॉट हैव क्वालिटीज, बट व्हाई द डायरेक्टर ऑफ ए कोचिंग इंस्टीट्यूट दे एडवाइजिंग कि कोर क्वालिटी को हाइड कर दो? क्या वो इस वीक कैंडिडेट को नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर कार्डर में भेजना चाहते हैं? Where is their own integrity? मेरा तो बड़ा simple हिसाब है. That's why nobody will like me. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर इतना बड़ा weakness है जिसे आपने hide करना पड़े तो आपको recommend ही नहीं होना चाहिए. Anyway आप recommend नहीं होंगे because the clearance rate is 3.6%. ये तो इसलिए कोचिंग वाले डायरेक्टर साहब बोलते हैं क्योंकि देखो भैया एक बात समझ लो, हमारे पास भी जो 95% कैंडिडेट जो आते हैं वो नॉन रिकमेंड होने वाले आते हैं बिकॉज उनके अंदर या तो कुछ कमी होती है या विल पावर नहीं होता. तो हमारा मैक्सिमम पैसा उन लड़के लड़कियों से आते हैं जो रिकमेंड नहीं होने वाले. दोबारा बोल रहा हूँ, वी एज कोचिंग वाले वी हैव ए बिजनेस इंटरेस्ट और हमारे पास मैक्सिमम लक्ष्मी उन लड़के लड़कियों से आते हैं जो रिकमेंड नहीं होंगे. दे हैव टू मच टू हाइड. लेकिन हम अगर उन्हें बता देंगे कि तू भैया तू रेकमेंड नहीं होगा तो पैसे नहीं देंगे. तो हमें मजबूरी है हम कोचिंग वालों की कि कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, स्प्रिंकल ऑयल क्यों कर दो, उससे तुम रेकमेंड हो जाएगा, नहीं होगा. ये हम तुम्हें मीठा झूठ इसलिए सुनाते हैं बिकॉज यू फॉल इन द थ्री पॉइंट, यू डोंट फॉल इन टू द 3.6 कैटेगरी एंड इफ़ यू गो रियल यू विल एनी वे नॉट गेट रेकमेंडेड. तो हम बताते छुपा दो तो तू खुश हो जाता है कि अपने अंदर कचरा रख के हम तुम्हें रेकमेंडेशन की उम्मीद देते. मुझे समझ भी नहीं आता हमारी क्या मजबूरी है, हम क्यों उन कैंडिडेट को रेकमेंड होने का वादा करते हैं जिनके अंदर गुण नहीं है और हम क्यों अपने इंटीग्रिटी को ख़राब करके बुक में लिख देते हैं कि हाइड कोर क्वालिटी. ये मुझे समझ में नहीं आया. एंड देन हु हैज़ ब्रांडेड अस नंबर वन इन द कंट्री? दैट्स वेरी सैड. तो अगर किसी ने, डायरेक्टर साहब ने ऐसे बोला है, ये पार्शियल सत्य है, ये उन लोगों के लिए सच है जिनको बहुत छुपाने की जरूरत है. नेचुरली इफ दे गो रियल दे विल गेट नॉन रिकमेंडेड एंड इवन इफ दे हाइड दे विल स्टिल नॉट गेट रिकमेंडेड बिकॉज SSB का जो टेक्निक है वो इतना स्ट्रांग है कि आपके कुएं के अंदर की क्वालिटी तो वो निकाल ही लेते. एंड आई टोल्ड यू TAT फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सॉलिड टेस्ट, इतना जबरदस्त है. आप बताओ इस कुएं से साफ पानी आएगा, इस कुएं से कैसा ये पानी निकालोगे? इसको तुम हाइड कर लो, जो कर लो, ये गंध तो निकलेगा ही निकलेगा. देखो इसकी स्टोरी में कैसा गंध निकला. सो आई हैव नॉट अंडरस्टूड कि ये कैसा है. इसको उदाहरण के लिए एक समझाता हूँ, दो बाबा का एग्जांपल देता हूँ. दिस इज ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जी हैं एंड दिस इज बाबा राम रहीम. दोनों स्टेज में तो एक जैसे ही बोलते हैं ना, दोनों स्टेज में एक जैसे ही बोलते हैं. अब ये कोचिंग वाले डायरेक्टर साहब बोलते हैं, सर वन डायरेक्टर ऑफ SSB कोचिंग इंस्टीट्यूट सेड इफ़ यू गो रियल टू दी SSB यू विल बी रिजेक्टेड. तो ये बाबा ने तो स्टेज में तो बहुत अच्छा ही बोल रहे थे, फेक ही तो कर रहे थे. लेकिन जब बाबा को
रही बात बाबा की स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर की, तो ये बाबा जैसे बाहर है वैसे ही अंदर है, ये बाबा बाहर अच्छे हैं अंदर से कचरा निकलता है। सो बाबा फंस गए आज। देखो दिस इज द व्हाट नाउ दैट कोचिंग वाले सर इज सेइंग कि इफ यू गो रियल यू विल गेट रिजेक्टेड, दैट्स ट्रू। सो ही सेज कि इसको मास्क कर लो। हाउ कैन यू मास्क इट, आपके कुएं का कचरा तो बाहर ही निकलेगा। सो सर का जो कमेंट है डायरेक्टर साहब का वो सही है, और उन्होंने जो कोर क्वालिटी को हाइड करने की बात बोली है और स्प्रेड ओवल क्यों बोला है वो गलत बोला है। वो सिर्फ इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपसे पैसे निकलवाने, हमने 15,000 रुपये कैसे निकलवाएंगे, हम आपको झूठी तसल्ली दे। क्या मैं आपसे एक पूछता हूँ, क्या वो डायरेक्टर साहब जिन्होंने आपको बोला कि कोर क्वालिटी को हाइड कर दे, अगर उनके पास एक कैंडिडेट SSB में आ जाए जो कोर क्वालिटी हाइड करे और वो उनसे पकड़ ले, क्या वो रेकमेंड करेंगे? पूछो उनसे सवाल, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको मीठा सच कड़वा सच नहीं सुन सकते, मीठा झूठ सुनना है तो आपको सुना रहे। सो द वीकनेस इज विद यू, तुम जो शॉर्टकट देखना चाहते हो ना, दैट्स अ प्रॉब्लम, जिसके कारण हम लोग ऐसे ऐसे बातें तुम्हें सिखा देते हैं। देखो यार, जब एक हैंडपम्प को चलाओगे ना तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हैंडपम्प के नीचे से वही पानी निकलेगा जो उसके अंदर है। आपको हैंडपम्प के अंदर का पानी अगर अच्छा नहीं है तो कितना भी हैंडपम्प मारते रहो, कितना भी नकाब लगा लो, वही निकलेगा जो अंदर है। सो हम भी जब TAT का पिक्चर देते हैं ना, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, अंदर से वही निकलेगा जो अंदर है, ये बता देता हूँ। अब वो कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, स्प्रिंकल ऑयल क्यों कर दो, जो करना टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा दो, हाउ टू वीव ए गुड पॉजिटिव स्टोरी बना दो, जो बनाना बना लो, कुएं के अंदर से वही निकलेगा। Don't knock the road, Raja. Come directly inside, Raja. Because that's what you are. This is the real self. This is the mask. Now, what you show on the stage and what you do in the gufa, if they are same, you will anyway get recommended. So, coaching wale sir ki baat adhura sach hai. और जब आपके आपको जब बाबा को जब TAT कराएंगे ना, तो बाबा का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। और अगर बाबा ऑनेस्ट है तो बाबा जो SD में लिखता है, जो SRD में करता है, जो WAT में करता है, जो TAT में करता है, वो सब में ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा। बिकॉज बाबा व्हाट ही स्पीक्स, व्हाट ही डज एंड व्हाट ही थिंक्स, दे आर सेम। यहाँ पे बाबा व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही स्पीक्स एंड व्हाट ही डज, दे आर नॉट सेम। सो दैट्स इनकॉन्ग्रुएंस। तो गलत बात बोला ना बाबा ने, सर ने, कि अधूरा सच बताया आपको, क्योंकि आप कोचिंग में हो, आपसे मैंने पैसे लिए हैं, आपको खुश तो करना पड़ेगा ना, तो आपको खुश करने के लिए हमें ऐसी बातें बोलनी पड़ती है ना, कि हमारा 3 दिन में 4 बंदे रेकमेंड होते तो खुश हो जाएगा। सो हमारा भी, हम भी एक बाबा है, हमारा भी एक चेहरा जो हम तुम्हें दिखाते हैं, और हमारा एक पीछे जो हम ट्रेनिंग कराते हैं। सो हम वीडियो में जो बोलते हैं और क्लास में जो कराते हैं, ज़रूरी नहीं है वो सेम हो, यू विल हैव टू सी दैट, हम भी तो एक बाबा हैं। सो हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड ऑन टू द कोचिंग वाला मास्क, ये जो कोचिंग का मुखौटा पहनते हो, आपको क्या लगता है कितने देर तक आप झेल लोगे? SSB 5 दिन का होता है और 3 लोग आपको टेस्ट कर रहे हैं, इतना लंबा आप नहीं मुखौटा पहन सकते, आपको तोड़ दिया जाएगा। सो आपको याद रखना कि आपके कुएं की जो भी क्वालिटी है, जैसे ही हैंडपम्प चलेगा वो निकल के आना ही आना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। सो आपको अगर TAT सुधारना है तो याद रखना, आप स्टिमुलस को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो साइक देता है, रेस्पॉन्स आप सुधारने की कोशिश करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका कुएं का जो इनपुट है, दिस इज द इंटरनल इनपुट, इंटरनल इनपुट को ठीक किए बिना आप एक्सटर्नल रेस्पॉन्स को ठीक नहीं कर सकते। दिस बीइंग कॉमन, हर कैंडिडेट को ये दिया जाता है, द वेरिएशन कैंडिडेट का क्या है कि कुएं के अंदर से क्या है आ रहा है। तो आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो फिर ऐसी कहानियां लिखते रहोगे। और आप बताओ, अगर गंदे कुएं से अच्छा पानी कैसे निकालोगे, उस सर से पूछो जो जिन्होंने आपको बोला है, गंदे कुएं से अच्छा पानी कैसे निकल सकता है, और गंदे कुएं के रख के क्यों रेकमेंड होना चाहते हो, मतलब जब आपके अंदर औकात ही नहीं है तो रेकमेंड क्यों होना चाहते हो, तुम क्या करोगे, व्हाई डू वांट टू बिकम अ लीडर, तुम कुछ और बनो, क्लर्क बनो, ऑटो रिक्शा चला लो, तुम कुछ और IT में चले जाओ, कहीं और चले जाओ जहाँ पे पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन नहीं है। व्हाई डू वांट टू गो इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन के ऊपर है, या तो पर्सनालिटी डेवलप करो या अपना एम चेंज करो, अगर नहीं करना चाहते हो। ये कोर क्वालिटी को छुपा के क्यों बनाना चाहते हो, बड़ा पैशन है, अगर पैशन है तो इम्प्रूव करो ना यार, शॉर्टकट क्यों देख रहे हो। सो चेंजिंग SD एंड TAT विल नॉट चेंज यू, व्हेन यू चेंज योर SD एंड TAT विल चेंज, क्या बोला मुझे जरूर बताना। सो आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, देखो यार, वो दे आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट विद स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर,
और अगर आपको बोला जा रहा है कि कोचिंग में बोला जा रहा है हाइड कोर क्वालिटी, तो पहली बात तो उस कोचिंग वाले सर का कैरेक्टर में सवाल आ जाता है कि वाई इज ही ट्रेनिंग लाइक दिस, एंड सेकेंडली इफ यू हैव टू हाइड देन यू अंडरस्टैंड देर इज अ डेफिशिएंसी इन यू. दे आर लुकिंग फॉर अ ऑनेस्ट पर्सन, दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन टू द पोजिशन वॉट एवर दे आर होल्डिंग. लाइक यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट, अ पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ. नाउ दे आर टेलिंग टू हाइड कोर क्वालिटी. If you hide core quality, then you are a dishonest person. And why should a coaching wala with 30 years of service who claims he is number one, why should he teach you like this? Sawal karna padega aapko. Recommendation ke moh mein aap kuch bhi le rahe ho. A person who gives others their due, a person considered too weak, a person. It is what this method of teaching is against the principles on which the Indian Armed Forces is standing. To jo aadmi aapko training kara raha, wo apne principle ko taak pe rakke aapko bolta hai core quality ko hide kar do. And spread OLQ. So no, you must be a man of principle. अगर तुम्हें औकात नहीं है तो recommend नहीं होना. Three idiot में बोला था ना, 16 हड्डियाँ टूटने के बाद आए ये attitude. आप रखो अपनी नौकरी, मैं रखता हूँ अपना attitude. तो तुम में भी ये attitude होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर do you have it in नहीं है. If you are a dishonest person, if you cannot be if you cannot establish that you have material substance in you, then you should not get recommended. And should be okay with that. Just because you paid me money does not mean you'll get recommended. You have to have that substance. दोबारा बोल रहा हूँ, अब ये बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ. ऐसे कोचिंग वाले हम बोलते नहीं, क्योंकि हम ये बोलेंगे तो हमें लक्ष्मी नहीं मिलेगी. हमें लक्ष्मी मिलने के लिए हमें बोलता कि गधे को हम घोड़ा बना सकते हैं, ये हमें बोलना पड़ेगा. हमारी मार्केटिंग है भाई, तुम हमारी मार्केटिंग को नहीं समझते हो. हम लोग बिजनेस कर रहे हैं यार, हमें लक्ष्मी मिलती है गधों से. कुछ ही लड़के होते हैं, लड़कियाँ होते हैं जो रेकमेंड होते हैं. बल्क जो है वो लड़कियाँ आते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, शॉर्टकट देखते हैं. तो हम उन्हें खुश करने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, इंक्लूडिंग कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, डेड बॉडी का ड्रामा बना दो, इसे रट लो, TAT रट लो. तुम कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरी बात को. आई बीन मेकिंग दिस वीडियो फॉर सच लॉन्ग टाइम. मैं भी झूठ बोल के पैसा कमा सकता हूँ. TAT में कहानियाँ बांट के, टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा के मैं भी सिग्नेचर कोर्स 3-4 बना सकता हूँ, एकदम मस्त वाली कहानियाँ ठीक करने वाली. नो, आई एम टेलिंग यू हार्ड फैक्ट्स. 3.6% क्लियरेंस है यार, 3.6 है. तो आपको देखना पड़ेगा, आर यू अ मैन हु कैन बी ट्रस्टेड. तुम कोर क्वालिटी को हाइड करो. इमेजिन करो अगर वो साइट पकड़ ले, इंटरव्यू ऑफिसर पकड़ ले और GTO पकड़ ले, फिर तुम्हारा क्या होगा? कोर क्वालिटी को हाइड करके स्प्रिंकल ऑयल क्यों करोगे? सो ये छुपाना उखाना छोड़ो, इम्प्रूव करो, डेवलप करो. कुछ पाना चाहते हो तो मेहनत करो. किसान फसल चाहता अच्छा तो उसे खेत में काम करना पड़ेगा. ये कोर क्वालिटी हाइड करने वाला जो है ना, दिस इज डिसइंटीग्रिटी. तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, पता करो तुम्हारे स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारे वीकनेस क्या है. आर यू अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी? क्या तुम्हारे मानसा वाचा कर्मना में जुड़ाव है या बहरूपीय बन के जा रहे हो? बहरूपीय बन के मत जाओ यार, इनका बेवकूफ़ थोड़ा ना बनाना है. अरे ये कुआं है भैया, इस कुएं के अंदर जो है वो निकल जाएगा. सो आपको अपना ये कुआं अगर ऐसा है, इसे साफ करना पड़ेगा. नहीं साफ करना है तो ऐसा कोचिंग को ढूंढो जो साफ करके दो. ऐसा कोचिंग मत ढूंढो जो इसमें और कचरा डाल दे, बोले कोर क्वालिटी को हाइड कर दो. पहले ही गंद था और गंद डाल दिया. प्लीज़ अंडरस्टैंड यार, अगर तुम्हारे मोटरसाइकिल के टैंक में पेट्रोल भरने की जगह डीजल चला गया तो उसके अंदर और कचरा नहीं भरना है. पहले उस डीजल को खाली करना पड़ेगा और फिर दोबारा पेट्रोल भरना पड़ेगा. तो ऐसी कोचिंग में मत जाओ जो बोलते हैं लिखित में बुक में कि हाइड कोर क्वालिटी एंड स्प्रेड ऑयल क्यू. वो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा. डेड बॉडी का ड्रामा नहीं है, हमें डेथ को एक्सेप्ट करने वाले चाहिए. सो कहीं ना कहीं जहां तुम्हें फोकस करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हो. सो इस तरह के जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल गलत है. ये जो मुखौटा पहन रहे हो ना, मुखौटा पहन के आप ये दिखाना चाहते हो, आप ये दिखाना चाहते हो कि इस कुएं से आप ऐसा पानी निकाल दोगे. नहीं यार, DIPR को इतना कच्चा मत समझो. तुम खुद सोचो, DIPR की ट्रेनिंग जो हमें वो तगड़ा होगा, ये जो कोचिंग के जो 15 दिन के सिग्नेचर कोर्स है जो कोर क्वालिटी को हाइड करने वाला. अरे तुम लोग में सही गलत की परख नहीं है. सो यू नो, सो आदित्य जोन सर, वन डायरेक्टर ऑफ एन SSB कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट सेट दैट इफ़ यू गो रियल यू विल बी रिजेक्टेड. सही बोला है, अगर आपको ऐसी कहानियाँ लिखोगे तो नेचुरली यू विल रिजेक्टेड एंड यू कैनॉट हाइड इट. वो भी कोशिश कर लेना. सो अगर आपको AFSOP का कॉम्पोजिट बैच ज्वाइन करना है, एक बैच आज से शुरू हुआ है, 2 weeks एंड 4 weeks का, 25 January 2021 से लेके 6 February 2021. ये 2 weeks का एंड 4 weeks का, 25 January 2021 से लेके 20 February 2021
2-1. इसमें जो SFL का आज मॉर्निंग का फर्स्ट क्लास खत्म हो गया है, इसका जो AFOCP का आज फर्स्ट क्लास है वो 8:30 बजे शाम से शुरू होगा, 8:30 PM से 10:30 PM. सो दोस्तों, इफ यू स्टिल विश टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन. थोड़ा हिम्मत रखो यार, अपनी काबिलियत बनाओ, कामयाबी झक मार के आएगा. तुम काबिलियत बढ़ाए बनाए रिकमेंड होना चाहते हो, वो बड़ा गलत है यार. तो अगर आपको कॉम्पोजिट बैच में ज्वाइन करना 25 तारीख का, तो एक SML का बैच मॉर्निंग का खत्म हो गया है, इवनिंग में SSB का क्लास है 8:30 PM से. दोस्तों, वी स्टिल विश टू ज्वाइन फॉर टुडे, यू कैन व्हाट्सएप मी एट 8275577650. कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कैन गिव मी अ कॉल एट द सेम नंबर, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. और जो अगले वीक में, अगले वीक मतलब जो नेक्स्ट वीक है, जो नेक्स्ट बैच जो है कॉम्पोजिट बैच, 1 February 2021 से शुरू हो रहा है, 2 week का है, 1 February 2021 से लेकर 13 February 2021 तक, एंड 4 weeks का है, 1 February 2021 से लेकर 27 February 2021. SML में इस कुएं के ऊपर काम किया जाएगा, बहुत कोशिश किया जाएगा इसको साफ करने के लिए. अगर कचरा बहुत ज़्यादा है तो टाइम लगेगा, अगर कम कचरा तो बहुत अच्छी बात है. एंड AFOCP में हम देखेंगे कैसे SSB के लिए अपने आप को अलाइन करना. कुआं गंदा करके सिर्फ SSB करने से फ़ायदा नहीं है. तो आप कुएं का गंद को साफ करना और समझना चाहते हो, प्लीज़ ज्वाइन कॉम्पोजिट बैच 2 weeks/4 weeks. वी रेकमेंड 4 weeks. बहुत तसल्ली से उसके ऊपर काम किया जाएगा. स्पीक टू दोज पीपल हु आर गोइंग थ्रू सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का क्लासेस. कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, सीधा बताया जाएगा कि आपके अंदर ये वीकनेस आ रहा है, इस वीकनेस के रखते हुए आप रेकमेंड नहीं होंगे. ये बिल्कुल बात बोलूंगा, इवन इफ यू पेड मी मनी, ईमानदारी से बोलूंगा कि तुम्हारा ये वीकनेस आ रहा है, इस वीकनेस को रखते हुए तुम नहीं बन सकते. ये बात मैं बोलूंगा, इवन इफ यू आस्क फॉर रिफंड तब भी बोलूंगा, क्योंकि यार मेरे बोलने से तुम नहीं रेकमेंड हो जाएगा. तुम्हें रेकमेंड होना तो SSB को दे हैव टू गेट सेटिस्फाइड, उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. सो सच सुनने की ताकत रखते हो और सच सुन के अपने ऊपर काम करने की ताकत रखते हो, और सच में तुम पैशनेट हो, सच में तुम ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो, कम एंड अटेंड 4 weeks ऑफ AFOCP. और अगर आपको कोर क्वालिटी हाइड करना तो प्लीज गो, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्सपर्ट इन डूइंग दैट. आई एम नॉट एक्सपर्ट इन डूइंग दैट. सो सच सुनने की ताकत रखते हो तो आओ, 2 weeks and 4 weeks. 1 February से शुरू हो रहा है और एक बैच आज से शुरू हुआ है. टाइमिंग SML का है 6 AM to 8 AM फिक्स्ड मंडे टू सैटरडे, एंड SSB का क्लासेस 8:45 to 10:45 मंडे टू सैटरडे. ऑल्टरनेट टाइम, जैसे आजकल मेरी डॉटर का फिजियोथेरेपी चल रहा है तो मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाता, तो ऑल्टरनेट टाइमिंग 8:30 to 10:30 शाम को. तो इस टाइम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने टाइमिंग को एडजस्ट करो. अगर आपको रजिस्टर करना, यू कैन व्हाट्सअप मी एट 8275577650. इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप करना, आई विल सेंड यू द डिटेल्स एंड यू कैन रजिस्टर फॉर द बैच, फॉर टुडेज बैच और फॉर द बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 February. तो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना कि क्या समझ में आया. वन डायरेक्टर ऑफ एन SSB कोचिंग इंस्टीट्यूट सेड, इफ यू गो रियल यू विल बी रिजेक्टेड. सच बोला, पार्शियल सच, उन लोगों के लिए जो कमीने हैं, उन लोगों के लिए नहीं जिनके अंदर डू यू हैव इट इन यू है, जिनका कुआं बाय एंड लार्ज साफ है, उन्हें क्या प्रॉब्लम. ये तो कचरे लोगों के लिए सच है, और इनको बोलते हैं मास्क चढ़ा दो. जैसे इस लड़के की शक्ल देखो, दिखेगा नहीं, अरे इसके अंदर का बंदे को हम देखेंगे SSB में यार. तो ये, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, दे शुड गेट रिजेक्टेड. आई हैव नो कंपल्शन कि कोर क्वालिटी में वीकनेस और मैं बोलूँ तुझे ऑफिसर बना दूंगा, देश के साथ गद्दारी है ये, तो मैं तो इसको नहीं मानता. तो मुझे कमेंट लिख के बताना क्या है, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाया हुआ आप लोगों ने देखा होगा, एंड शेयर करो, एंड आई वांट फीडबैक, मुझे बताना ये वीडियोस आपको किस तरह से हेल्प कर रहा. थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.